अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे करूलस उस्मान के सेकंड सीजन के फिफ्थ एपिसोड के बारे में। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा फोर्थ एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको बआसानी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले रिव्यू में बताया था कि उस्मान बेग गोक्तुगल को सोगुत के सिंदान से बचाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उस्मान बेग पर क्लाडियस ने जाल बिछाकर हमला किया, लेकिन उस्मान बेग को बचाने के लिए वहां बामसी बेग आ गए। इस तरह बामसी बेग और उस्मान बेग ने मिलकर क्लाडियस के सिपाहियों को मार डाला और क्लाडियस फरार हो गया। बामसी बेग ने उस्मान बेग को अपने साथ कबीले वापस जाने का कहा, लेकिन उस्मान बेग ने बामसी बेग को ये यकीन दिलाया कि वो अपने वालिद अर्तुरुल बेग के हुक्म के खिलाफ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनके भाई साबची बेग की जान को खतरा है। ये कहकर उस्मान बेग रवाना हो जाते हैं। उस्मान बेग अपने साथियों बुरान अल्प और गोक्तुग अल्प के पास पहुंचते हैं और उस नक्शे के मुताबिक जो उन्हें कुमराल अब्दाल ने दिया होता है, बहिरा अस्वद के पास एक गार तक पहुंच जाते हैं जहां मोंका ने साबची बेग को पकड़ कर रखा होता है। दूसरी तरफ बामसी बेग एक अरसे के बाद कबीले वापस पहुंचते हैं और अपने बचपन के साथी और सरदार अर्तुरुल बेग से मुलाकात करते हैं। बामसी बेग अर्तुरुल बेग को ये यकीन दिलाते हैं कि उस्मान बेग की नीयत अच्छी है, लेकिन अर्तुरुल बेग उस्मान बेग को नाफरमानी करने की वजह से सजा देने का कहते हैं। और चूंकि गेहातू काई कबीले पहुंच रहा होता है तो अर्तुरुल बेग जंग के पेश नज़र बामसी बेग को कबीले के दिफा की जिम्मेदारी सौंपते हैं और बामसी बेग अर्तुरुल बेग के हुक्म के मुताबिक जंग की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ क्लाडियस कमांडर निकोला को ये बताता है कि उस्मान बेग उसके जाल से बच गए तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। चूँकि गेहातू काई कबीले की तरफ जा रहा होता है तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए कमांडर निकोला अपना कराचाई सार का किला वापस हासिल करने के लिए मनसूबाबंदी करता है। इसी वजह से कमांडर निकोला कराचाई सार कले के कारवां सराय में जाकर गुंदुज बेग को शदीद जख्मी कर देता है और उनको कबीले वापस भेज देता है और उस्मान बेग गार पर हमला करके साबची बेग को बचा लेते हैं और मोंका को पकड़ लेते हैं। गुंदुज बेग जख्मी हालत में कबीले पहुंचते हैं तो उनको इस कदर जख्मी देखकर अर्तुरुल बेग उनसे पूछते हैं कि उनके साथ ये किसने किया है, तो गुंदुज बेग निकोला का नाम लेते हैं और अर्तुरुल बेग को शदीद गुस्सा आता है और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। याबला करसलान काई कबीले पहुंचता है और काई कबीले को गेहातू के हमले के खिलाफ अपनी मदद की पेशकश करता है। हालांकि मोंका के अगवा का ड्रामा रचाने वाला याबला करसलान ही होता है और इसी वजह से गेहातू काई कबीले पर हमला करने आता है। गेहातू के आने से कबल अर्तुरुल बेग को गुर्दे का शदीद दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं। गेहातू काई कबीले पहुँचता है और अपने बेटे मोंका को वापस करने का कहता है। गेहातू और काई कबीले की लफ्जी तकरार हो रही होती है कि इतने में उस्मान बेग कबीले पहुँच जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थे वो वाकयात जो कि करूलस उस्मान के सेकंड सीज़न के फिफ्थ एपिसोड में रोनमा हुए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।